जिसी एक कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास है माउस क्या है और मॉनिटर स्कैनर, यानी ये तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। पहले माउस क्या है बारे में, उसके बाद मॉनिटर के बारे में, तीन नंबर में स्कैनर के बारे में। तो सबसे पहले माउस क्या है देखेंगे। माउस क्या है एवं इसका प्रकार को लिखें। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए कर्सर पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। देख सकते हैं जिसके जरिए कर्सर पॉइंट, यानी इसको क्या बोलते हैं जो तीर जैसा दिख रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। कर्सर पॉइंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यानी इस यहाँ पर भी, यानी जहाँ पर मन करे आप वहाँ पर इस कर्सर पॉइंट को ले जा सकते हैं। अब बात आ रहा है दोस्तों माउस में कितने बटन होते हैं। तो लेफ्ट प्राइमरी बटन है, ए सेकेंडरी बटन है और ए व्हील या स्क्रॉल बटन बोलते हैं इसको। तो पहले इस साइड का बटन क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड प्राइमरी बटन, और ये साइड का बटन बोलते हैं राइट साइड सेकेंडरी बटन, और टॉप में जो है उसको स्क्रॉल या व्हील बटन बोलते हैं। तो दोस्तों इस बटन को क्या क्या काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेफ्ट प्राइमरी बटन क्या करता है, यानी लेफ्ट बटन के बारे में। लेफ्ट बटन क्या काम करता है, अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर दिख दे रहे किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है, और यदि डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों माउस से जो दिख रहा है इसको एक बार क्लिक करते हैं तो क्या करता है, किसी स्क्रीन पर दिए गए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, और डबल क्लिक करते हैं तो उस प्रोग्राम को यानी उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर देता है। तो देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसको यानी एक बार क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं सिलेक्ट हो गया, यानी क्या है वो सेलेक्ट हो गया, यानी इस पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं तो यानी इस पर भी सेलेक्ट हो गया। जिस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यानी जो भी हम लोग का क्षेत्र है इस क्या हो गया दोस्तों सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि इसका फोल्डर है देखेंगे, इस पर यानी एक बार क्लिक करेंगे क्या होगा सेलेक्ट हो जा रहा है। जैसे फोल्डर है इसको एक बार क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यानी इस पर जो भी जैसा वीडियो देख रहा है और इस पर कोई भी एक बार क्लिक करने पर क्या होगा सिलेक्ट हुआ, डबल क्लिक करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों ओपन हो जाएगा। अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो आप किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट को गुण को एक्सेस कर सकता है। अगर आप डिस्प्ले पर कोई भी ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करेंगे तो यानी उसको गुण के बारे में बताएगा, एक्सेस करेगा कि इसको ओपन टू फाइल लोकेशन यानी शेयर फाइल यानी लोन टू एडमिनिस्टर, ऐसे करके कट कॉपी डिलीट लीनेम, ऐसे करके बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में इसका जान सकते हैं इसके बारे में, यानी इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम हो गया, इसके बारे में देख सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रॉल बटन, इस बटन का इस्तेमाल किसी बड़े डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके देखने के लिए किया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का बहुत जो फाइल में अगर लिखा होगा ज़्यादा पेज में, जैसे कि पेज जा रहा है, इसको हम क्या करें यानी स्क्रॉल करके इसको देख लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे करके कि क्या क्या है, इसको आसानी से स्क्रॉल करके हम लोग देख लेते हैं अप डाउन करके, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्क्रॉल बटन। यानी इसके मदद से हम क्या करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को इजीली से ऊपर नीचे हम करके इजीली से देख सकते हैं। अब आते हैं ना माउस, माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस मुख्यतः तीन प्रकार के होता है। पहला
मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। तो मैकेनिकल माउस क्या है? ये माउस सबसे पुराना है। ये पहले के ज़माने में प्रयोग किया जाता था, जो कि यूजर को बहुत सारी ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो ये माउस दिख रहा है दोस्तों, मैकेनिकल माउस, ये पहले के ज़माने में यूज किया जाता था, जो कि यूजर को यानी जो चलाता था उसको काफ़ी सारी दिक्कत होता था इस माउस को चलाने के लिए। यानी अभी के टाइम में प्रेजेंट में इसको यूज नहीं किया जाता है। ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की ही तरह ही होता है, मगर सिर्फ अंतर इतना है कि केबल के द्वारा कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। यानी दोस्तों माउस में जो केबल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। इस ऑप्टिकल माउस को इसमें कंप्यूटर के यूएसबी जो दिया रहता है उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा माउस काम करता है। यानी इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल माउस। अब देखेंगे दोस्तों वायरलेस माउस। वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं जिसमें कोई केबल नहीं लगा होता है। एक कंसोल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके लिए आपको एक यूएसबी लगाना होगा जो कि माउस के साथ दिया जाता है। यानी वायरलेस माउस उसको बोलते हैं जो इसमें वायर जो इसमें माउस होता है वो नहीं होता है, उसको हम लोग वायरलेस माउस बोलते हैं। बट इसको कंप्यूटर से यानी सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए तभी तो चलेगा, क्या करना पड़ता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करता है। यानी कि लेकिन इसके साथ एक ऐसा यूएसबी देता है जो सीपीयू के यूएसबी में लगा के इसको क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। इसी को कनेक्ट करने के बाद हमारा ये माउस काम करेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।